नमस्कार दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पास्ट का सारा कुछ बहुत सारा कुछ पढ़ चुके थे, जैसे पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया। अब आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। अब देखिए, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। पास्ट में मतलब बीते हुए समय में जो भी काम खत्म हो चुका हो, परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंसेस कहेंगे। ठीक है, अब उसको पहचानेंगे कैसे हिंदी में, तो हिंदी में कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिटी ये रहा, तो उसके अंत में, उस सेंटेंस के अंत में या था, ये थे, ई थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह से वर्ड लगे होंगे, शब्द लगे होंगे। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, या था लगा हुआ है, चुका था लगा हुआ है, तो इस तरह से। ये तो सिंपल भाषा में हो गया। अब स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम यदि समझे पास्ट परफेक्ट टेंस को, तो उसको कहते हैं पास्ट में कोई भी काम खत्म हो चुका हो। ठीक है, मतलब पास्ट में कोई भी काम खत्म हो चुका हो, पूरा हो चुका हो, परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका हो। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड भाषा में, आप लोग समझ गए। चाहे या ये था, थी, ये सब लगा रहे, चाहे नहीं लगा रहे, चुका था, चुकी थी, लगा रहे, नहीं लगा रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग बचपन में जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ रहे हैं, ये था बचपन वाला लैंग्वेज। चलिए अब बनाते हैं पहला स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, इसको बनाने का नियम जिसे बोलते हैं। पहला नियम होता है अफर्मेटिव के लिए, जिसमें नहीं नहीं लगा रहता है, इसमें देखिए नोट नहीं लगा हुआ है, और क्या क्या कैसे ये सभी नहीं लगा हुआ, तो इस तरह के सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पे देखिए क्या होता है, पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड प्लस वी थ्री, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हैड सभी में लगता है, सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ। वी थ्री क्या होता है, आप वर्ब का तीसरा रूप होता है। ऑब्जेक्ट जो भी वस्तु वगैरह होता है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट तो आप लोग जानते ही होंगे, पढ़ चुके हैं हम लोग, जो जो भी काम करता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने पाठ याद कर लिया था, तो क्या हो जाएगा इस सब्जेक्ट की जगह पर, मैं हो जाएगा, आई, उसके बाद हैड, उसके बाद वी थ्री, याद करना का रिमेम्बर्ड हो जाएगा, रिमेम्बर का रिमेम्बर्ड हो जाएगा वी थ्री। अब ऑब्जेक्ट द लेसन, जो आप कोई परफेक्ट लेसन के बारे में यहाँ बोला जा रहा है, इसीलिए यहाँ द का प्रयोग लगा है। हम लोग द का प्रयोग पढ़ेंगे आराम से, बाद में तो उसका जानेंगे कहाँ क्या लगता है। तो मैंने पाठ याद कर लिया था, तो आई हैड रिमेम्बर्ड द लेसन, आराम से बन गया। अब ये बनाते हैं, मैं जा चुका था, तो आई सब्जेक्ट के जगह पर, हैड के जगह पर हैड ही होगा सभी के साथ, और गो का गोन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं देंगे, समझ गए। अब निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव में पहला सब्जेक्ट होता है, हैड होता है, उसके बाद नोट, उसके बाद भी थ्री, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसी हैड के बाद हम क्या करेंगे, नोट लगा देंगे अफर्मेटिव में, तो यही निगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है हम लोगों के लिए। आसान है, कोई आप सभी क्लास पढ़ेंगे तो ये अब टेंस पूरा होते होते आपको अपने आप याद हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये स्ट्रक्चर देख लिए निगेटिव, अब इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, ये निगेटिव सेंटेंस रहेगा, नहीं बोला सेंटेंस रहेगा तो निगेटिव पर बना देंगे। ठीक है, चलिए, जैसे कि वह नहीं पढ़ लिया था, तो वह नहीं पढ़ लिया था, तो वह का क्या होगा, ही, उसके बाद हैड, उसके बाद नोट है तो नोट दे दिए, निगेटिव में है इसीलिए, उसके बाद रीड का रीड ही होता है, जैसे इंग्लिश में रेड बोलते हैं, वर्ब थ्री में पढ़ते हैं रेड है, लेकिन लिखा जाता रीड ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप नहीं खेल चुके थे, तो आपका क्या होगा, यू हैड, उसके बाद नोट, नोट की जगह पर नहीं नहीं है, है तो दे देंगे, उसके बाद चुका था, खेलना का क्या होगा, प्ले का प्लेट हो जाएगा वी थ्री, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे, ये जिसे हम यस नो इंट्रोगेटिव इसे बोलते हैं, जिसका उत्तर हाँ या नहीं में आता है। यस नो इंट्रोगेटिव इसे बोलते हैं जिसका उत्तर हाँ या नहीं में आता है। जैसे आप बोलेंगे क्या आप खेल चुके थे, तो आप बोलेंगे यस या नो। ठीक है, आप किसी से पूछेंगे क्या आप खेल चुके थे, या तो बोलेगा यस या बोलेंगे नहीं, नो, इसीलिए इसको यस नो इंट्रोगेटिव बोलते हैं। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें, इसी स्ट्रक्चर में क्या किया, ये हैड को हमने बाहर ले आया, बाहर ले आया, सब्जेक्ट वही रहा, नोट वही रहा, है ना, वी थ्री, ऑब्जेक्ट, नोट रहेगा तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या आप खेल चुके थे, तो क्या आप खेल चुके थे,
तो इसका क्या हो जाएगा, हैड के जगह पर पहले हैड ही होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट नहीं आने देंगे, भी थ्री प्लेड हो जाएगा। आराम से सीख गए, प्ले का प्लेड हो जाएगा भी थ्री। अब क्या आप क्रिकेट नहीं खेल चुके थे तो इसमें नॉट है तो नॉट भी देना पड़ेगा। हैड के जगह पर हैड दिए, उसके बाद सब्जेक्ट दिए यू, इसमें यू है आप, उसके बाद नॉट है तो नॉट दे दिए, उसके बाद भी थ्री है तो प्लेट दे दिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो क्रिकेट दे दिए, ऑब्जेक्ट है इसी में इसीलिए। तो देखा आपनों आपने कितना आसान है बनाना। तो क्या आप क्रिकेट खेल चुके थे तो हैड यू नॉट, सॉरी, क्या आप क्रिकेट नहीं खेल चुके थे तो हैड यू नॉट प्लेड क्रिकेट। अब डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। इसका उत्तर आप किसी सेंटेंस में देना पड़ता है, किसी वाक्य में देना पड़ता है। जैसे कोई पूछेगा क्यों सीता क्यों कपड़ा खरीद चुकी थी, तो वो कुछ ना कुछ बोले बोलेगी, उसका मन पसंद था इसीलिए खरीद चुकी थी, या जो भी उसको ज़रूरत था इसीलिए खरीद चुकी थी, तो कुछ ना कुछ बोलेगा, इसीलिए इसे हम डब्ल्यू एच सेंटेंसेस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये रहा। इसमें क्या करेंगे, आप लोग तो पढ़ते हैं तो जानते ही होंगे, यही इसको कैसे बनाएंगे, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ देंगे, बस हो गया, और कुछ नहीं करना। चलिए जोड़ लिए, डब्ल्यू एच हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, तब नॉट, तब भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, इसी में सेम उतार देंगे यहाँ से यहाँ। अब उसके बाद चलिए बनाते हैं, सीता क्यों कपड़ा खरीद चुकी थी, तो सीता क्यों कपड़ा खरीद चुकी थी, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। डब्ल्यू एच में क्या होता है, क्या वो क्यों कहाँ कैसे, ये सभी सेंटेंस के बीच में लगा रहता है, और इंट्रोगेटिव यस नो वाला में क्या क्या जो है सेंटेंस के पहले लगा रहता है, है ना। तो चलिए समझ जाएंगे कौन सा डब्ल्यू एच में है और कौन यस नो में है सेंटेंस। तो इसको बनाते हैं, सीता क्यों कपड़ा खरीद चुकी थी, तो डब्ल्यू एच के जगह पर क्यों हो जाएगा, हैड उसके बाद होगा, हैड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें सीता है तो सीता दे दिए, नॉट नहीं है तो नहीं देंगे, भी थ्री खरीदना का परचेज होता है तो इसका परचेज्ड हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट इसमें क्लोथ हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा बनाते हैं। हाँ चलिए ठीक, अब इसको पहले देख लेते हैं, जैसे स्मार्ट क्लास में क्या करते हैं, यही सब कुछ सेंटेंसेस होता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं, है ना। जैसे एक इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा अफर्मेटिव, है ना, ये हो गया अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैड प्लस भी थ्री और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद नेगेटिव बनाना होगा तो इसी में हैड नोट लगा देंगे, और डब्ल्यू एच बनाना होगा, है ना, तो डब्ल्यू एच बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसको हैड को पहले रख देंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट नोट सब कुछ तो वैसे ही रहेगा, और डब्ल्यू एच बनाना होगा तो डब्ल्यू एच पहले रखेंगे, है ना, डब्ल्यू एच वर्ड पहले रखेंगे, उसके बाद हैड, तब सब्जेक्ट, तब नोट प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने स्मार्ट क्लास भी कर लिया, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पास्ट का ही कुछ कंपेरेटिव की तरह होता है, जैसे कि ट्रेन खुल चुकी थी ये वाला, जैसे कि ट्रेन राम को पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुके थे, तो इस तरह के सेंटेंसेस भी इसी में बनते हैं, तो आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा इसमें नहीं लगता है आपको, ये होता है कि आप के पास जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगा, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, बेल।